13 रिश्वत खोरी के केसेस और 4 मर्डर के केसेस में शहीद बेनजीर वायदे करती आती है, लेकिन इख्तदार के मजे लूटने में इतनी मसरूफ हो जाती है कि सब कुछ भूरी बैठती है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो भटकते फिर रहे, कोई उनसे पूछता नहीं है। जब उसको फांसी आ रही थी पिंडी जेल में तो दरवाजे पे मैं खड़ा था और कोई नहीं था। मेंबर बनो असेंबली के, मिनिस्टर बनो, सलाहकार बनो, कुछ बनो और माल बनाओ। हमारे यहाँ तो मार्शल लॉ ज्यादा लगे हैं। असदुल्ला भुट्टो साहब, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब ने लोगों से वायदा किया कि साहब वो 1 रुपए की रोटी और 1 रुपए की फला और ये, इसी तरह से जो है एनपीएम ने लोगों से वायदे किए, इसी तरह से एएनपी ने वायदे किए। अब वो वायदे जो है वो काबिल अमल थे ही नहीं, तो खजाना खाली मिला है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं लोगों को वोटरों को एक वो करने के लिए कि भाई हम तो पता नहीं क्या कर लेते लेकिन क्या करें, खजाना खाली है। बाहर से पैसे आ जाए और वही पैसे जो है हमारे अकाउंट में जमा हो जाए। एनकेएम जो है वो महाजिर कौम परस्ती को फरोग देने की कोशिश करती है, इसी बुनियाद पर जो है आज से आज उनको वोट मिलते हैं। एंड वेयर बैक, सबसे पहले आपको बता चलूँ कि जो पहले ऐड आप लोगों ने सुना था वो था ऑर्गेनाइजेशनल ऐड हमारा, एंड दिस शो स्टेज हमारा सच तुम्हारी इज ब्रॉट टू यू बाय ओवरसीज पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर जो है वो है 7739697672, एंड यू कैन चेक आवर वेबसाइट एट www.overseaspakistanis.org, एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस विद योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स कंसर्न्स व्हाटएवर। Also, we help you out with your immigration and various other things. So if you have any of those matters to take care of, email us at chicago@overseaspakistanis.org. And, okay, following that, I have a question. सवाल मेरा यह है, जो हमने अभी इंटरव्यू सुना सरवरत एजाज कादरी साहब का, उसमें दो चीज़ें। सबसे पहले ये बताएं कि आपने जैसे सवाल पूछा कि आप मजम्मत करते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। इस तरह का एक एक्चुअली रनिंग जोक था पाकिस्तान में, वो ये था कि बलूचिस्तान में सिलसिला आया था तो उस पर दिखाया मजाक के तौर पर था ये कि जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वो उस पर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिलसिला आया हम इसकी मजम्मत करते हैं। बताना ये चाह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट से बैठी हुई हर चीज़ की मजम्मत करती रहती, कोई एक्शन नहीं लेती। सही, तो इसका क्या हल होगा? नहीं, आप सिर्फ ये जितने भी लीडर हजरात हैं ज़ाहिर सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं तो उनसे यही बात इस्लाम की रोशनी में पूछी जा सकती थी कि इसकी अगर आप मजम्मत करते हैं तो मजम्मत थी वो खुदकुश हमलों की बात अलग थी और ये मजम्मत थी मसाजिद पे कब्जों की बात थी। सही, जो आए दिन की बात थी तो उन्होंने मजम्मत की उसकी। बाकी जमहूरियत के हवाले से जो बात एड में भी सुन रहे हैं या हर लीडर कहता चला आता है, तो जमहूरियत तो माजरत के साथ तो कि वो नज़र ही नहीं आती वाकई में किसी पार्टी में, जमहूरियत नज़र नहीं आती। अगर आमिर अगर आ गया, आर्मी डिक्टेटर आ गया, मार्शल ला आ गया, तो वो तो आर्मी चीफ था या डिक्टेटर था, उसको तो आप एक तरफ रखें। लेकिन किसी भी पार्टी में किसी की जरूरत नहीं होती कि वो पार्टी चीफ के अगेंस्ट कोई बात करें। लेकिन चंद मिसालें ऐसी मौजूद हैं अभी, मतलब रिसेंटली राशिद रब्बानी साहब हैं, सेनेटर हैं, और उन्होंने ये राशिद रजा रब्बानी साहब, उन्होंने अभी इस बिल पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो उनका मैं इसमें सपोर्ट नहीं करूँगा इस बिल को। सही, ये अखबार की मैं खबर बता रहा हूँ आपको। इसी तरह कल मैं इनको मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के मखदूम अमीन फहीम जो नहीं मखदूम अमीन फहीम पीपल्स पार्टी के, तो जावेद हाशमी है, ओके, तो वो खुल के बात करते हैं और पार्टी उसूल की बात कर रहा होता वो शख्स। तो इसी तरह शीरी रहमान थी, इसी तरह उससे पहले थे फख्र इमाम, एक सैयद फख्र इमाम थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। सही, ये तो वो लोग होगा ना जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, पोस्ट छोड़ दी, चलने समझ में आता है कि उन्होंने गलत चीज़ में साथ नहीं दिया। लेकिन जो लोग आते हैं, डेमोक्रेसी होती है कि जो भी आवाम चाहती है वो हो, right. या जो मेजोरिटी चाहती है वो हो, है right. यहाँ पे होता है कि कोई भी आता है बैठ जाता है। और जब आप सुनेंगे अगले इंटरव्यू में कि मुमताज़ अली भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं कि जो इख्तदार में आता है
वो भूल जाता है और वो इख्तियार के मजे लूटता है। बेसिकली डेमोक्रेसी जो है वो जमहूरियत डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सिस्टम ये वो है कि जो आवाम जो है जिस जो वोट देता है उसको बालिग होना ज़रूरी है, उसको 21 साल का होना ज़रूरी है, उसको पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं और उसके बाद वो वोट दे रहा है। और ये 60 साल होते चले आ रहे हैं कि वो वोट देता है और कुछ चला जाता, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आता। चूँकि वैसे तो उमूमन तो पूरी दुनिया में कहीं भी उस मुल्क के लोगों की जो आवाज़ है उसके मुताबिक हुकूमत ही नहीं है कहीं भी। सही, आवाज़ कुछ होती है और हुकूमत कुछ और होती है। पाकिस्तान में भी जो लोग चाहते हैं वैसा हुकूमत, इसका मतलब यह है कि जैसा लोग चाहते हैं वैसा वोट दिया तो वैसे ही काम भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा कहीं भी नहीं है। और ये ऐसा उस वक्त तक नहीं होगा, इसीलिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि ये 3-4 हजरात के जो मैंने नाम लिए और भी पार्टियों में बेताशा लोग भरे हुए हैं जो किनारा कश हो जाते हैं, लेकिन वो समझते हैं जमहूरियत यही है कि अपनी बात कहें, ज़रूरी नहीं कि वो सही कह रहे हों। जमहूरी निज़ाम यह है कि अगर मैं एक चीज़ समझता हूँ और उस 5 शुरका में मैं शामिल हूँ किसी मशवरे में, तो अगर मैं नहीं समझता तो मैं वो बात तो कहूँ कम अज़ कम। सही, ये बताएं आप कहते हैं कि किसी भी पार्टी में जो है कोई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है विद इन इटसेल्फ। नहीं, मेरा मतलब यह है कि जो मुझे नज़र आता है, ज़रूरी नहीं कि जो हमें नज़र आता है। लेकिन एक तो है ना, मेरे खास जो वो कौन सी सुनी तारीख, इसके ये डेमोक्रेट नहीं जिसके अमीर जो है हमेशा वोट के हिसाब से आते हैं, वो जमात इस्लामी। जमात इस्लामी, एक्चुअली में मेरे ख्याल से एक पार्टी तो है ना जो डेमोक्रेटिक वे के हिसाब से चलती है, किसी हद तक कह सकते हैं। बाकी और पार्टीज भी हैं इस तरह, तो हर पार्टी में इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन तो सब अगेंस्ट होता है, लेकिन अगेंस्ट में कोई तो एक ही बंदा होता है मेरे ख्याल से, वो जो उसका हेड होता है वो चला रहा है, वो चलता चला आ रहा है बिल्कुल। उसमें एमक्यूएम का जो हेड जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करता, वो पार्टी नहीं चलाता और लोग बात कर रहे होते हैं और वो रिजल्ट भी आ रहा होता है सामने, तो बहरहाल जमहूरियत कहीं नज़र नहीं आती। चलें ठीक है, आप ये तो बहस लंबी हो जाएगी, हम उसके ऊपर चलते रहे। आपने बहस थोड़ी मुझसे पूछा था, जो मेरे व्यूज थे वो मैंने बताए। नहीं बिल्कुल, मैंने कह रहा हूँ कि टॉपिक ऐसा है कि एक अलग शो चाहिए इसके लिए, कई अलग शो चाहिए इसके लिए। एनी हाउ, चलते हैं साथ ही हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ, जो है सैयद गौस अली शाह साहब का, और इसका ताल्लुक PMLN से है, सुबह सिंध के प्रेसिडेंट हैं ये और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं नवाज ग्रुप से पहले, जब मुस्लिम लीग नवाज से प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उस वक्त की चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं ये, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध भी हैं, रहे हैं एक्स, यही तारुफ है। सही, चलने के साथ ही चलते हैं हम लोग इनके इंटरव्यू की तरफ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया कि आपने रात हमें वक्त दिया। आपसे पहला सवाल ओवरसीज पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से चलने वाले प्रोग्राम स्टेज हमारा सियासत तुम्हारी में अर्ज है, आपकी पार्टी का परवेज मुशरफ साहब के आइन की खिलाफ वर्जी पर जो मौकिफ है, क्या इसमें किसी मसाले की गुंजाइश है? अगर नहीं तो आप इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? नहीं, वो जो हमारी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है कि ये ब्रोकन द कॉन्स्टिट्यूशन, ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, एंड बिकॉज ही हैज मिसयूज्ड हिज पोजीशन एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, therefore article 6 of the Islamic Republic of Pakistan applies and he should be tried, as simple as that. ji shah sahab ye farmayega ki bijli ka bohran har hukumat ko darpesh raha hai, lekin is waqt high billing aur qadre mehangi bijli ke sabab सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, आपके नजदीक इसे वो भी सारा अपना मुशरफ ही छोड़ के गया है ना, ये सारा किस्सा के 8 साल में उसने इस मुल्क को बिजली देने की भी कोशिश नहीं की कि कुछ इम्प्रूवमेंट करें, कुछ बात करें। तो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बड़ा मसला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। शाह साहब ये फरमाइएगा कि हम चाइना के हमसाया भी हैं और